हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रीति तिवारी और आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूं एक क्लचर की मदद से दो ब्यूटीफुल से बल हेयर स्टाइल, जो कि बहुत छोटे बाल होते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारा फ्रंट पे टॉप पे एकदम बड़ा सा बिग हाई बल बन जाए और काफ़ी स्टाइलिश लगे। तो ये टिप मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लो। और सिर्फ एक क्लचर की मदद से कैसे आप बनाओगे वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब तो कर लिया होगा, अभी तक नहीं किया तो जल्दी करोगा। एंड जो मेरा न्यू चैनल है कहानी बाई प्रीति तिवारी, उस पर डे बाई डे मैं बहुत इंटरेस्टिंग कहानियाँ लेकर आ रही हूँ गर्ल्स के ऊपर, जो गर्ल्स थॉट होती हैं जो लड़कियों के माइंड में चलती रहती हैं या फिर जो भी लड़कियाँ कहती हैं जेलती हैं सब कुछ। तो गो टू माई न्यू चैनल प्रीति तिवारी कहानी बाई प्रीति तिवारी एंड प्रीति तिवारी टू चैनल पर आपको मेकअप ट्यूटोरियल्स एंड ब्यूटी टिप्स सीक्रेट्स वगैरह देखने को मिलेगी, तो उस चैनल पर भी जरूर जाइएगा। तो चलिए आज का जो टॉपिक है एक क्लचर की मदद से दो बहुत ही बड़े हेयर स्टाइल छोटे बालों में एंड पतले हल्के बालों में आप कैसे बना सकते हैं। चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लाइक कर दीजिए अभी से क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाओगे, नहीं तो पूरा देख लो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना। तो हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। कल मैंने बताया था सिर्फ एक क्लचर की मदद से, नो रबर बैंड नो यू पिन, कल की वीडियो में जो बताया था वो जाके चेकआउट कर लीजिए। उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हेयर स्टाइल देखने को मिलेगी, जो कि बहुत छोटे बाल हैं, एयर लेंथ है, आपकी यहाँ तक है शोल्डर लेंथ, तो भी आप बना सकते हो। तो चलिए आज का हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस हेयर स्टाइल के लिए आपको एक क्लचर तो चाहिए ही चाहिए, जिसमें आपको एक रबर बैंड की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर इस तरीके से कॉम कर लेना है, जितना हाई बनाओगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। इस तरीके से मुझे रबर बैंड को लगा लेना है, काफ़ी प्यारा लगता है। जिसके पतले हल्के और छोटे बाल हैं वो इस तरीके का हेयर स्टाइल कर सकते हैं, कहीं जाना हो तो इस तरीके से करना है। देन आपको सारे हेयर को अपने फ्रंट में इस तरीके से लेके आना है और जितना मतलब आपके बालों का वॉल्यूम है उसी हिसाब से आपको अपने अपना क्लचर चूज करना है, जितना आपके बालों का वॉल्यूम है। ऐसा नहीं है कि बहुत कम बाल है तो बहुत बड़ा क्लचर लोगे, अभी बहुत हैवी बाल है तो आप छोटे क्लचर पे एडजस्ट कर लोगे। इस तरह ये मेरे बालों के लिए परफेक्ट है, तो इस तरीके से मैंने रखा है और सारे बाल आपके क्लचर के अंदर आ जाने चाहिए। बाल तो आने ही चाहिए, साथ साथ में आपका जो स्कैल्प का हेयर है वो भी पूरा अच्छे से कवर हो जाना चाहिए। अब आपको सिंपली बैक साइड में हेयर को लेके जाना है, ध्यान से देख लीजिए। अब आप चाहो तो यहाँ पे एक रबर बैंड लगा सकते हो, आप लगेगा तो रबर बैंड लगा लीजिएगा। और अगर आप इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ उस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से फिर भी करना है क्लचर को ओपन करने में ध्यान से और ये हेयर को क्लचर के अंदर इंसर्ट कर देना। और इस तरीके से आपका बल जो है वो बन के रेडी हो जाएगा, हाई बल है। और सिर्फ एक क्लचर की मदद से आप बना लोगे, छोटे बालों में बन जाएगा, बड़े बालों में भी बन जाएगा, पतले हल्के हैं तो भी ये हेयर स्टाइल काफ़ी अच्छा लुक देता है। और इस तरीके से खींच के अपने बालों को मैनेज कर लीजिएगा थोड़ा सा। तो ये फर्स्ट हेयर स्टाइल है, फ्लैट लुक चाहिए तो फ्लैट रखिए। और जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, अगर आपको थोड़ा सा हैवी लुक चाहिए होता है बालों में तो इस तरीके से खींच सकते हो। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल, जो कि सिर्फ एक नज़र की मदद से होना है और काफ़ी स्टाइलिश लगता है, काफ़ी सुंदर लगता है एंड बहुत ही किसी भी ड्रेस के साथ जाएगा। साड़ी हो, सूट हो, वेस्टर्न ड्रेस हो, जींस टॉप, जो भी आप पहनते हो, अगर आपको बाल ओपन रखने में अनकंफर्टेबल फील होता है, घर भी बहुत ज़्यादा है तो कोई भी अनकंफर्टेबल हो जाता है बालों को खुला रखने में, तो आप इस तरीके से हेयर स्टाइल कर सकते हो। मेरे चैनल पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बहुत ही कम हेयर स्टाइल टूल्स की मदद से बहुत ही यूनिक से हेयर स्टाइल मिल जाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल, जो कि सिर्फ एक क्लचर से बना है। चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ। तो सेकेंड हेयर स्टाइल के लिए पहले मैं इसको ओपन कर लेती हूँ, तो मैं पूरा हेयर ओपन नहीं करूँगी, बस थोड़ा सा इस तरीके से बालों को पॉनीटेल बना लेना है जैसे कि मैंने आपको बनाया है। और क्लचर आपको अगेन चाहिए, ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। आप चाहो तो एक बार ओपन करके दोबारा से कॉम कर सकते हो, बट जो भी बना रहा होगा एक ही बार कॉम करेगा बालों को। मुझे आप लोग को बताना है इसलिए मैं बार बार बालों को ओपन कर रही, बट आपने एक हेयर स्टाइल बना लिया, आपका काम डन है, आप जा सकते हो कहीं भी जाना है। तो इस तरीके से मैंने अगेन बालों को कॉम किया है, रबर बैंड ले लिया है और इसको अच्छे से रबर बैंड को लगा लूँगी। टाइटली पूरा लगा लेना है और आपका क्लचर लेना है आपको, और बालों को सिंपली हल्का हल्का ट्विस्ट करना है। अगर बहुत पतले हल्के बाल हैं
तो आपको थोड़ा सा बैक कॉम्बिंग कर देना है अपने बालों में। बैक कॉम्बिंग से आपके बाल जो है उसमें वॉल्यूम आ जाएगी एक इंस्टेंट। देखिए कितना वॉल्यूम आ गया और आपका जो बन है वो काफ़ी बड़ा और स्टाइलिश दिखेगा। अब आपको ऐसे लेके जाना है जहाँ तक आपको अपना ये बन रखना है वहाँ तक आपको पीछे ले जाना है, पीछे ले जाओ। और थोड़ा सा फ्रंट में चाहिए, टॉप पे चाहिए, तो इस तरीके से टॉप से लेके जाओगे, बैक साइड में लेके जाओगे और जो आपका रबर बैंड है वहाँ तक लेके आओगे। फिर इस तरीके से पकड़ोगे इसको और क्लचर ऐड कर दोगे रबर बैंड के जस्ट ऊपर, ताकि आपका रबर बैंड की हाइट हो जाए और आपका जो क्लच टाइप है वो भी अच्छे तरीके से। ओके, ये तो हमारा बैक का रूप हो गया, यहाँ पे क्लचर दिखा है। अब जो फ्रंट का रूप है उसको मैनेज करना है, उसके लिए आपको थोड़ा सा बालों को इस तरीके से करना है। काफ़ी प्यारा लग रहा है, मुझे थोड़ा सा पफ का लुक चाहिए होता है मेरे बालों में, तो मैं इस तरीके से खींच रही हूँ। आप अपने फेस के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा क्या सूट करता है आपके से। तो इस तरीके से घुमाया है मैंने। अब आपको इसके लिए 3-4 यूपिन्स चाहिए होंगे, यूपिन्स चाहिए होंगे। ऐसा नहीं है कि हेयर स्टाइल खुल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। आपको अगर फिर भी लगे कि खुल सकता है, कॉलेज वगैरह जा रहे हैं तो आप बॉबी क्लिप यूज कर लीजिएगा। अब जहाँ जहाँ आपको बालों को सेट करना है वहाँ पर आप यूपिन्स लगा दीजिएगा इस तरीके से। तो ये है ना बहुत ही स्टाइलिश सा, मतलब इजी सा टिप आपके छोटे पतले हल्के बालों को बड़ा सा हाई बिग बैन बनाने के लिए, एंड काफ़ी अच्छा है। और सिर्फ एक क्लचर की मदद से आप इतना बड़ा लो डोनेट बन कुछ भी यूज़ नहीं किया है इसमें, मैंने सिर्फ रबर बैंड एंड क्लचर यूज़ किया है। शादी पार्टी में भी ये हेयर स्टाइल आप बना सकते हो। और लेयर्स अगेन आपकी मर्जी, निकालनी है निकालो, नहीं निकालनी आपकी मर्जी है, तो मैं निकाल ले रही हूँ। आज का जो टॉपिक था मेरे उस चैनल पर मैंने अपलोड किया है कहानी बाय प्रीत तिवारी, तो जाके चेकआउट कर लीजिएगा। शादी के बाद 7 ऐसे बड़े बदलाव जो हर लड़की की लाइफ में आते हैं उस चैनल पर मैंने बताया है कौन कौन से बदलाव हैं, क्या है, सब कुछ देखने के लिए उस चैनल पर जरूर जाइएगा। वैसे भी काफ़ी अच्छा और स्टाइलिश लग रहा है, कहीं भी जाना है मार्केटिंग करना है, शॉपिंग करना है, या फिर कहीं भी जा रहे हैं, फिर शादी पार्टी वगैरह है बट आपको बालों को प्लान करना है, आप इस तरीके से अपने बालों को अच्छा सा डिफरेंट सा लुक दे सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और दोनों हेयर स्टाइल में से कौन सा हेयर स्टाइल ज़्यादा अच्छा लगा ये भी बता दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी इस तरीके की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टिप्स के साथ, नेक्स्ट हेयर स्टाइल न्यू नेक्स्ट हेयर स्टाइल के साथ, और कुछ हेल्पफुल आप लोगों के लिए जो आप अपने बालों को बना सको। और जो भी आपको हेयर स्टाइल चाहिए वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा, नेक्स्ट वीडियो शायद उस पर हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। सेकंड चैनल पे मैंने बताया था स्किन ब्राइटनिंग, वाइटनिंग एंड स्किन टाइटनिंग एंड टैनिंग को रिमूव करने के लिए वीडियो जा चुका है, तो प्लीज़ गो टू माई सेकंड चैनल प्लीज वाई टू। एंड जो मेरा थर्ड चैनल अभी जस्ट 1-2 दिन पहले बनाया है उसको मैंने बताया है लड़कियों की लाइफ में शादी के बाद 7 ऐसे बड़े बदलाव आते हैं, उनको जाके जरूर देखिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।